अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एन जावेद फ्रॉम रिस्ट ऑफ अफ्रीका। अल्लाह के नाम से एक और ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, और अल्लाह ही है जो हमें इतनी अकल अदा करता है कि हम कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें। अच्छा, आज हम जा रहे हैं कारीगर रिस्टो मोड पे। वहाँ से ये सुरखेल भाई की वर्कशॉप है, वहाँ से हमने एक गाड़ी उठानी है सिविक ईके, और इनकी तरफ से उस पर डेंटिंग और मैकेनिकल काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पेंट और अपहोस्ट्री के लिए वो हमारे पास आ रही है, और मतलब फाइनल फिनिश जो है उसको वो हमने देना है। तो इस दुआ के साथ उसे लेने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इज्जत अदा करें और हम एक अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें और प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से डिलीवर कर सकें। तो आज आपको प्रोसेस दिखाते हैं कैसे गाड़ी जो है वो एक गैरेज से दूसरे गैरेज में मूव होती है, वो आपको दिखाते हैं। लेके चलते हैं आपको सुरखेल भाई की वर्कशॉप कारीगर रिस्टो मोड। जी, अब हम पहुंच चुके हैं कारीगर रिस्टो मोड के बाहर, और हम यहाँ से गाड़ी रिसीव करेंगे। ये जनाब ओके गाइस, तो ये है वो गाड़ी जो कि अब हमारे हवाले होने लगी है। डेंटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और अब पेंट की बारी है। तो अब पेंट के लिए ये हमारे पास आ रही है, और रिकवरी बुलवा ली हुई है उससे, ये गाड़ी उसके लोड करवाएंगे और ले जाएंगे। इंजन इसमें नहीं है, इंजन रूम भी हमने इसका वो भी रेडी करना है, और बाकी पूरी गाड़ी अंदर बाहर से पेंट होगी इसकी, अंडर कोटिंग होगी, साउंड डैम्पनिंग होगी, हीट प्रूफिंग होगी, वो सारे प्रोसेस जो है वो हमारे पास होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, हम पहुंच चुके हैं कारीगर रिस्टो मोड पे। जी, रिकवरी व्हीकल इज हियर, और अब ये यहाँ पे लगेगी और हम गाड़ी इस पर लोड करवाएंगे। लें जनाब, गाड़ी मूव होने लगी है। इसी गाड़ी को धक्का लगा के और गाड़ी लेके जा रहे हैं रिकवरी व्हीकल के सामने, बिल्कुल उसके सामने खड़ी की जाएगी ताकि ऊपर चढ़ानी आसान हो।
डर लगे ही मैं लग रहा कि मारे जान जी भाई, थैंक यू वेरी मच। गाड़ी रिसीव कर ली है तो जनाब, गाड़ी हमने रिसीव कर ली है, अब हम निकल रहे हैं और लेके इसको जा रहे हैं वर्कशॉप और कोशिश करेंगे कि अच्छा फिनिश करके इनको दें इंशाल्लाह। ओके जनाब, इस चैनल पे मिलने वाले हैं आपको बहुत ही अनोखे और मज़ेदार किस्म के प्रोजेक्ट्स, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।